गोह का शरीर छिपकली के आकार का लेकिन उससे बहुत बड़ा होता है। गोह छिपकलियों के निकट संबंधी है जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब और एशिया आदि देशों में फैले हुए हैं। ये छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं जिसमें से कुछ की लंबाई तो 10 फुट तक पहुंच जाती है। इसका रंग प्राय भूरा रहता है। इसका शरीर छोटे छोटे शल्कों से भरा रहता है। इसकी जुबान सांप की तरह दुम्ब की, पंजे मजबूत, दुम चपटी और शरीर गोल रहता है। इसमें कुछ अपना अधिक समय पानी में बिताते हैं और कुछ खुश्की पर, लेकिन वैसे सभी गोहों खुश्की, पानी और पेड़ों पर रह लेते हैं। ये सब मांसाहारी जीव हैं जो मांस मछलियों के अलावा कीड़े मकोड़े और अंडे खाते हैं। इनकी कई जातियां हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रैगन ऑफ द ईस्ट इंडियन ब्लेंड लंबाई में लगभग 10 फुट तक पहुंच जाता है। नील का गो नाइल मॉन्स्टर अफ्रीका का बहुत प्रसिद्ध गो है और तीसरा अफ्रीका के पश्चिमी भागों में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। भारत में गोह की 6 जातियां पाई जाती है जिसमें कवरा गोह सबसे प्रसिद्ध है। इसके बच्चे चटकीले रंग के होते हैं जिसकी पीठ पर बिंदियां पड़ी रहती हैं और जिन्हें हमारे देश के लोग बिश खोपरा नाम का दूसरा जीव समझते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि बिश खोपरा बहुत जहरीला होता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। बिश खोपरा कोई अलग जीव ना होकर गोह के बच्चे हैं जो जहरीले नहीं होते। शिवाजी के सेनापति तानाजी के पास एक गोह थी जिसका नाम यशवंती था। इसकी कमर पर रस्सी बांधकर तानाजी किले की दीवार पर ऊपर की ओर फेंकते थे और यह गोह छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती थी। इस रस्सी को पकड़कर वे किले की दीवार चढ़ जाते थे।